उम्र हो गई? 70 साल। 70 साल कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। सहारनपुर की उम्र कितनी हो गई? 72। तो दोस्त है दोनों? नहीं। हम आपस में मामा भांजे हैं। अच्छा, मामा भांजे। यस यस। मामा कौन है? हम यानी कि मामा 72 साल के और भांजा 70 साल का। इक्वल है, कोई नो वो। तो दोनों साथ में कावड़ लाए? गौमुख से उठाइए, पूरा महादेव चढ़ाएंगे। अच्छा जी, तो बदलाव दिखाई दे रहा है? भांजे तो आपके कह रहे कि पहले से देश बदल गया। बदलाव तो यह है कि जो पहले नहीं था उससे कई गुना बदलाव हुआ है, और जितनी तारीफ की जाए सरकार की उतनी ही कम है। और रही प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो ना आज तक ऐसा हुआ ना भविष्य में होगा। जब तक मोदी जी हैं आजीवन प्रधानमंत्री रहने हैं, ये हम कह रहे हैं या बाबा कह रहे हैं? आप कह रहे हैं? हाँ, ये बाबा कह रहे हैं। ऐसी क्या खासियत दिखाई दे गई? ऐसी कौन सी क्वालिटी नहीं है जो उसमें नहीं है? बस यही कमी है कि उसमें कोई क्वालिटी ऐसी है ही नहीं जो हम गिनवा सके। राहुल गांधी कहते हैं अडानी अंबानी को देश बेचे जा रहे हैं, ट्रेन बेच दी, सब कुछ तो बेचे जा रहे हैं मोदी जी। इन्हें दिक्कत कुछ नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, अपने आप को बचाना है, अपनी जान खतरे में। पता योगी और मोदी को होते हुए हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी तो रोटी बिजनेस थोड़ा ही कर रहे हैं, जाके नौकरी करेगी इसी काम का खा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे पब्लिक का। वोट लेना है, वोट इन्हें मिलने का नहीं। तो बाबा, जैसे 72 साल उम्र हो गई, तो ऐसा क्या तजुर्बे में आपने देखा? आप भी कह रहे कि ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। इंदिरा गांधी की लोग काफी तारीफ करते हैं, अटल जी की भी तारीफ करते हैं, लेकिन आप तो कह रहे मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं। भाई जो बात सच्चाई है हम वो कह रहे हैं। आज तक जो काम इन्होंने किया और जो कर रहे हैं, भविष्य में हमें तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे कोरोना काल था, सबको फिर नार खिलाया। आप काशी कॉरिडोर देखिए, काशी में जो है कितना बड़ा भवन, विशाल भवन मंदिर बनवा दिया है। आप राम मंदिर को देखिए, हरिद्वार को देखिए, क्या पलट होगी सारी की सारी। अब गौमुख से हम लोग आ रहे हैं, हर जगह प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है। अगर आपके कांटा भी लग गया तो वहाँ पूछने वाले हैं, दवाई देने वाले हैं। बाबा को दिक्कत समझता है, खाना पीना रहना सारी व्यवस्था, और क्या चाहिए आपको बताइए। पहले नहीं था सब? पहले कुछ नहीं था, पहले धोखे खाते, कोई बैठने वाला नहीं था, कहीं बैठ नहीं सकते थे हम लोग। और आज हम कहीं बैठ सकते हैं, कोई गुंडा कर दी नहीं। वाले तो कहते हैं बाबा की सब कुछ हमारी तो देन है, मोदी जी आए फीता काट लिए, सब कुछ तो बना के गए। अगर कांग्रेस की देन होती तो मोदी जी का नंबर ना आता, ये तो उनकी अपनी सोच है। अगर आप काम करेंगे कौन हटा सके, ये तो सब मोदी जी का ही करिश्मा है, मोदी जी की देन है। आपको राहुल गांधी में वो नेता दिखाई नहीं दे रहा कि राहुल गांधी को मौका दे दे देश आगे बढ़ जाएगा? देश जहाँ इस टाइप गति में चला जाएगा, इनको तो मौका देना ही बेकार है। इस लायक होते तो ये पोजीशन ना बनती आज। आज देखिए कांग्रेस से नाराज क्यों है? 70 साल से राज किया, 60 साल क्या किया इसने, सिवा इसके कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटानी अपना हटा दी। एक चीज, आप जैसे कि अभी आपने इंदिरा गांधी के बोला है, राहुल गांधी को शिक्षा लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर प्रधानमंत्री रही है, उसके खिलाफ जो भी बोला उसको उसने निमटवा दिया, उसके गुर्दे बदलवा दिए। अरे ये राहुल गांधी मोदी जी को इतनी गालियाँ काटता है, आज तक तुझे तो एक बार भी गोली नहीं लगवाई उन्होंने, तो गाली दे दे उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिलेगा? शिक्षा ले, ये बकवास करने से तू प्रधानमंत्री नहीं बनने का, उनसे कुछ शिक्षा ले जो मोदी जी से, उन्हें गुरु बना तो तेरे को जो है प्रधानमंत्री के चांसेस बने, तेरा कल्याण हो जाएगा, वरना बीच में रहेगा। कहते हैं बाबा जी तानाशाह है मोदी जी, ईडीसीबीआई है। तो देखी थी ना, जब उसकी दादी ने तानाशाही करी तब कहाँ मर रहा था तू? दादी की तानाशाही थी, 18 साल के लड़कों का जो है उसने जो है नसबंदी करा दी, ये तानाशाही नहीं थी उसकी जो है। हम तो जिंदा थे, मरे थोड़ी थे। अच्छा, आपने वो दौर देखा है? क्यों नहीं देखा है? जब हम 70 साल की उम्र में भाग रहे हैं तो हमने वो दौर नहीं देखा? लड़कों का घर से उठा के नसबंदी करते 18 साल के लड़कों का, वो डिक्टेटर नहीं था? उस टाइम का काम करता था, तब तूने अपनी दादी को क्यों नहीं रोका? अरे तू ये काम क्यों कर रही है? आज मोदी को कह रहा है कि डिक्टेटर बनना, डिक्टेटर तो बना ही नहीं है। और मैं देखो मोदी जी को डिक्टेटर बनना चाहिए, जो उनके खिलाफ गाली गलौज करता है सालों को जेल में बंद करा के गुर्दे बदल पाते होंगे। वो तो अब कहते हैं कि मोदी जी जो है लोकतंत्र खतरे में है, जिसको देखो मोदी जी भेज देते हैं, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं रही अब। क्यों सब तो बोल रहे हैं, तू गाली दे रहा है मोदी जी को, आज़ादी और क्या चाहिए? मारना ही तो थप्पड़ बाकी रह गया, वो भी मार दे, वो तो मोदी जी को तेरा हाथ थोड़े पकड़ लेंगे। क्या सोच के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं मोदी को? मोदी जी से भाई देश का अगर उद्धार करना है तो मोदी जी, और अगर देश को बर्बाद करना है तो भाई राहुल को बिठा दो, या उसकी माँ को बिठा दो, और या भाई अखिलेश को बिठा दो। यूपी से आप आते हैं, योगी जी की भी लोग बात करते हैं, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं कि उनको भी देखो। जो काम हालांकि योगी जी का हमसे कोई वो नहीं है, हम यूपी के अंदर रहते हैं, और हमारे तो राशन कार्ड भी उन्होंने बंद कर हो गए, हमने तो उसके लिए भी नहीं कहा, लेकिन जो काम योगी जी ने कर दिया आज तक किसी ने नहीं किया मुख्यमंत्री ने।
राशन कार्ड नहीं है फिर भी योगी जी की तारीफ लोग तो मिलते मिलते भी गाली देते हैं। ना मिले हमें नहीं मिला तो जो उसका काम है उसको कैसे हम कह देंगे नहीं वो काम नहीं कर रहा है। अगर राशन कार्ड हमारे कट गया है तो हम योगी जी को कह देंगे बुरा है कट गया कट जाए, लेकिन जो उसके काम की तारीफ है वो तो तारीफ ही देगी साहब। क्या दीवानगी है इसके पीछे? बस दीवानगी तो ये है कि उसने जो है गुंडाओं को तो सबको जो है ना आज हम यूपी के अंदर खुले घूमते हैं, वरना अगर हमारी जेब के अंदर 50,000 रुपए हैं बैंक में डालने के डर नहीं है कि पीछे गोली मार के छीन कर ना लिया है। आज अगर आपके पास 1,00,000 रुपए यूपी के अंदर आके देखो अगर आपको कुछ छेड़ भी दे 10,00,000 रुपए भी आपकी जेब में पड़े तो भी नहीं छेड़ सकता कोई आपको। तो अच्छा बाबा एक बात बताओ, हर साल गोमुख से लाते हो अब की बार? इसी साल लाए, इसी पहली बार लाए? नहीं मैं तो दो बार है बाबा का, एक पहली बार है। तो कुछ मन्नत वन्नत मांगी थी या बाबा का बस श्रद्धा है? श्रद्धा हमारी तो बल्कि वो चल रही है 108 श्रीमद भागवत, उसको हमारे को 17 महीने हो गए एक टाइम भोजन करते हैं हम, और अभी 17 महीने और लगेंगे उसको संपन्न करने के लिए हम व्रत में हैं। ठीक है बाबा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी यात्रा शुभ हो।